मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खारेड़ा गांव में एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालिका दुकान पर घर का सामान खरीदने गई थी, वहां स्थानीय युवक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली लड़की की बाईं आंख पर लगी जो सर से बाहर निकल गई। मौके पर लड़की ने दम तोड़ दिया। मृतका की उम्र करीब 12 साल के आसपास बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्यारे मौके से फरार हो चुके हैं। बालाखेड़ा थाने के खारेड़ा के रहने वाले रज्जू उर्फ रुजदार ने मामला दर्ज कराया है कि उसकी पुत्री खुशी, उम्र जिसकी करीब 13 वर्ष है, दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां पर कमरू की दुकान पर उसके दो लड़के महबूब और अंसार बैठे हुए थे। खुशी ने उनसे घरेलू सामान मांगा, इस पर कमरू के पुत्र अंसार ने गोली चला दी। कट्टे से गोली चलाने पर लड़की के बाएं आंख में गोली अंदर से पार होती हुई बाहर निकल गई, जहां मौके पर ही खुशी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक पुत्री के पिता रज्जू उर्फ रुजदार का रो रोकर बुरा हाल था और उसने रोते हुए मीडिया के सामने अपनी समस्या को बताया। उसका कहना था कि उसकी पुत्री परिवार की लाडली थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन से उसे न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट तो जमीन नहीं है, मैं पकड़े तरह काल में काम कर रहा था, वहाँ मुझे 10-12 दिन होगा तो मेरे सारे मतलब पैसे लेने गई थी दुकान पर लेने गई थी। उसकी मामी आई, उसके लिए पैसे ला रही तो उन्होंने अनुसार ने उसमें वहाँ दुकान पैसे ले रही तो वापसी मतलब देखे ने, फिर वापसी ने कहा गर्म है, जब वापसी कर रही है भैया तो गर्म ठंडी दे, तो वह ने बच्चे ने पैसा दे दिया उसको और फिर वह कहीं पैसा देखे ने और फिर यूनिवर्सिटी का कट्टा मार दिया। कितने साल की बच्ची थी, कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 13 साल की थी, पाँच में पढ़ते थे। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो साहब पता नहीं था हमको, तो साहब हमारे कोई नहीं पर उसने पता नहीं दिल में क्या ही क्या नहीं। मैं तो जब आया उसको मतलब बिल्कुल मृत्यु हो गई, वहीं हाथ पे खत्म हो गए। कौन कौन लोग थे वहाँ पर बैठे? वहाँ पे सभी थे। नाम क्या है इनके, दुकान वालों का? वह अंसार और महबूब। हाँ जी, दोनों भाई थे, यहीं के रहने वाले। हाँ जी, यहीं के रहने वाले, बास के रहने वाले। कुल मिलाकर इस हत्या के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही। आज करीब 12:15 बजे एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल है, जाति सरका मुसलमान, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। बच्ची के पिता रुजदार ने उन्हीं के गांव के कमरू व उसके बेटे के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बोडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों के शुक्र शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं।